हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारे साथ साथ रहो, हमारे साथ साथ रहो, हमारे साथ साथ रहो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ साथ रहो, हमारे साथ साथ रहो, हमारे साथ साथ रहो, हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारे साथ साथ रहो, हमारे साथ साथ रहो, हमारे साथ साथ रहो, आरएनबी हाय हाय, 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 डीसी कपाड़ा 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 हाय हाय, आरएनबी हाय हाय, आरएनबी हाय हाय, आरएनबी हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ साथ रहो, हमारे साथ साथ रहो, हमारे साथ साथ रहो, हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारे साथ साथ रहो, हमारे साथ साथ रहो, हमारे साथ साथ रहो, आरएनबी हाय हाय, 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 हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी हमारी डिमांड ये है कि हमारे गांव में रोड नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बिजली भी नहीं है, हमारे गांव में पीने का पानी भी साफ नहीं है, हमारे गांव को हर तरफ से नाश किया गया है। सबसे पहली हमारी ये डिमांड है कि जो हमारा रोड है या लिंक रोड है उनको मैग्नम नहीं डाला गया, आसपास के जो पड़ोसी गांव हमारे उन सबको मैग्नम डाला गया, जिसका हमारे गाँव को नजरअंदाज किया गया है। इसलिए हम डीसी साहब कुपवाड़ा के पास भी वफद देकर गए थे, उनको हमने दरखास्त की किया, उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया, लिहाजा इसलिए हम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ आए, लेकिन हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें यहाँ बात करने का मौका दिया। लिहाजा हमारा गांव हर तरफ से नजरअंदाज किया गया है, जो हमारे मेन रोड है या लिंक रोड से किसी रोड को मैकदम नहीं डाला गया, और जो हमारा अस्पताल है जो फर्स्ट एड सेंटर है उसको अस्पताल का दर्जा दिया जाए, और हमें डॉक्टर होना चाहिए, हम बीमार लोग होते हैं, हमें तांदू पर उठाकर बीमार को स्वगाम के अस्पताल में तकरीबन 10 किलोमीटर दूर लेना पड़ता है। हमारे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे गांव की तरफ तवज्जो दे, और हमारे गांव की तरफ एक टीम भेज दे जो हमारे गांव में इसकी जांच करे कि हमारे सड़कें, हमारी बिजली, हमारा पानी और हमारा अस्पताल, जो हमें कुछ नहीं है, हम हर तरफ से हमें नजरअंदाज किया गया। थैंक यू। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगे पूरी